आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक कसरत शुरू हो चुकी है। एसपी अरविंद कुमार गुप्ता नेतृत्व में बुधवार को सुइया थाना में विशेष बैठक की आयोजना हुई, जिसमें मुख्य रूप से सुइया थाना अध्यक्ष, नक्सल प्रभावित क्षेत्र पुलिस अधिकारी, सुइया थाना अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चित्र से कराने के लिए भी सभी बिंदुओं पर से नक्सल प्रभावित, अति संवेदनशील व सामान्य बूथों का चयन किया गया। साथ ही नक्सल प्रभावित व अपरिवर्तित बूथों का भौतिक सत्यापन कर शीघ्र रिपोर्ट देने का निर्देश सुइया थाना अध्यक्ष देवेंद्र राय को दिया गया। नक्सली कांडों के अलावा दुर्दांत अपराधियों, लूट, डकैती, हत्या आदि कांडों में संलिप्त अपराधियों की गतिविधि की भी समीक्षा हुई। बैठक में इंस्पेक्टर व थानेदार मौजूद थे। अमरपुर थाना क्षेत्र के सुड़ी गांव के दो भाइयों को ग्रामीणों ने बांध में डूबने से बचाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ बच्चे बांध के समीप बगीचे में खेल रहे थे। इसी बीच गांव के संजीव पासवान के पुत्र अंश एवं अंशु धमनिया बांध में स्नान करने चले गए। बांध के गहरे होने की वजह से उसमें पानी काफी जमा हो गया है। स्नान करने के दौरान दोनों बांध में डूबने लगे। ग्रामीणों की नजर उन बच्चों पर पड़ी। लोग उन्हें डूबते देखकर हल्ला करने लगे। वहां गांव के ही प्रमोद पासवान ने तुरंत बांध में छलांग लगा दी तथा काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को डूबने से बचा लिया। इसकी जानकारी उनके घर वालों को भी दी गई। घर के लोग बुरी तरह बदहवास हो गए थे, लेकिन बच्चों को सुरक्षित देख उन्होंने गले से लगा लिया। दोनों बच्चे भी काफी सहमे हुए थे। बाद में परिजन उन्हें इलाज के लिए अमरपुर ले आए, जहां डॉक्टरों ने दोनों का इलाज किया। अपना मुंगेर की टीम भी लिपि सिंह के शानदार काम के लिए उन्हें बधाई देती है। इसके तहत मुंगेर नगर निगम को गंगा कॉरिडोर स्वच्छता सर्वेक्षण का। मुंगेर का जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुंगेर का बेरोजगार जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।